लिया चुंग खेत चिड़ियों ने तो पछताने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कि बार बार कहें तो सावधान क्यों न होत, ममता की मोट सिर काए को धर तो है। मेरो धन मेरो गांव मेरो पशु मेरो धाम, मेरो ही मेरो कहे भूलो ही फिर तो है। तू तो भयो बाबरो बेकाय गई है बुद्धि तेरी, ऐसो यंद कूप गे है तामे तू पर तो है। सुंदर कहे तोए नेक नहीं आवे लाज, काज को बिगाड़ क्यों अकाज को करत है। काज को बिगाड़ क्यों अकाज को करत है। और जब तक हम अपने कर्मों में जागृत नहीं होते हैं, तब तक हमारा भजन ध्यान साधना कुछ नहीं बन पाता है। इसलिए कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर का अगर वास्तव में ही कहते हैं कि अपने कर्मों को सुधारो रे भाई, तो तुम पर जुर्म मैंने ईश्वर खुदाई। अपने कर्मों को बिगाड़ोगे भाई तो कोई नहीं रोकेगा ईश्वर और खुदाई। हमारे यहां और कबीर पंथ में और जितने जो महापुरुष हुए उन सभी ने ये मिलकर के बताया कि आपको अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। बाहर से नहीं, हम भीतर में भी अगर कुछ गलत विचारते हैं किसी के प्रति वो दोष है। इसलिए भीतर में बीज होता है और जब तक वो भीतर में बीज रहेगा तब तक बाहर कर्म होते रहेंगे। कितना बढ़िया कहा, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। परे हजुना किया कुछ भी आप बीमार हो
और डॉक्टर के पास गए, वो दवाई ले आए 2000 रुपया की, और डॉक्टर ने बताया कि खटियाई मत खाना और आप दवाई भी खा रहे हो और खटियाई भी खा रहे हो, तो बताओ बीमारी घटेगी क्या बढ़ेगी? इसलिए आप अगर परहेज करते हो तो आपकी बीमारी परहेज से ठीक हो सकती है। हमें 5 साल खांसी हो गई और दवाई लेते रहे खूब, पर खाने पीने से नहीं हिसाब बैठा, कोई दही खवाए दे, कोई मीठा मेवा खवाए दे, अरे महाराज नेक ले लो, कोई दूध पिवाए दे, तो बहुत लंबी पड़ गई। पर वो ऐसी गुरु कृपा रही कि वो लंबी बनी रही और वो अपने समय पा करके और वो चली गई। पर वास्तव में ही कहते हैं कि करज और मरज इनको बढ़ाए नहीं, आप पर करज है और आप थोड़े से सुस्त पड़ गए तो वो तुम्हारे पर बहुत बोझ हो जाएगा, और आपको अगर कोई बीमारी है और आप धीरे पड़ गए और आपने परहेज नहीं किया तो फिर आपको उसका बहुत भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं अगर किसी से कुछ लिया है तो उसको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करना चाहिए, और आप कोशिश करोगे तो मामला सही बन जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो दवा लेकर के और बढ़िया परहेज करके और उससे निवृत्त होना ही आपकी समझदारी है। कितना कहा बढ़िया, परहेज ना किया दिल से दवा खाने से क्या होगा, परहेज ना किया कुछ भी दवा खाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन कर से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। और आपने अपने कर्मों को साध लिया तो आपका भजन ऑटोमेटिक होने लगेगा। देखिए समय की एक ठोकर ही बदल दे ये किस्मत को, देखो जब आदमी को ठोकर लगती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बार बार ठोकर खाते रहते हैं और बार बार उसी काम को करते हैं, और कुछ लोग ऐसे समझदार होते हैं कि एक बार ठोकर लगी और वो पूरे के पूरे जागृत हो गए, अब ऐसा मौका नहीं आएगा कभी। और जो ठोकर खाकर के संभल जाए वो एक अच्छा इंसान होता है। कहते हैं एक बार ठगावे तो 52 वीर कहावे, और बार बार ठगावे तो गप्पू नाथ कहावे। इसलिए एक बार हमको और ध्यान रखो, ये चेतावनी सबको मिलती है, चाहे भाई हो चाहे बहने हो, लेकिन जब हमको कर्म के बदले में कोई ठोकर मिलती है तब हम कहते हैं भैया अब तो हमने कुछ नहीं किया है, कब उनको होगा आगे पीछे को, और पीछे तो होनहार है, सब भगवान की मर्जी है। ये भगवान की मर्जी नहीं होती है, ये अपने कर्मों का ही फल होता है। इसलिए
समय की एक ठोकर ही बदल देती ये किस्मत को, जो ठोकर खा के ना संभले जो ठोकर खा के ना संभले तो समझाने से क्या होगा, जो ठोकर खा के ना संभले तो समझाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा, परे हजना किया कुछ भी दवा खाने से क्या। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कितना बढ़िया उदाहरण और दृष्टांत दे करके बताया है, क्या जो ठोकर खा करके नहीं समझता है उसको समझाने से भी क्या होगा। इसलिए हमें सावधान हो जाना चाहिए और हमारे जीवन को कोई दुख और सुख देने वाला नहीं है, तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो। चाहे अपने आसपास नरक तैयार कर लो और चाहे स्वर्ग तैयार कर लो। देखिए मुसीबत तो डले मर्दानगी के दो थपेड़ों से, मुसीबत का सामना करना चाहिए और मुसीबत के सामने अगर गिड़गिड़ा करके बैठ गए तो वो मुसीबत और हावी होगी। इसलिए मर्द बन करके जियो। आप सोच रहे होंगे महाराज हवाल तो आप बुढ़िया के सामने वो बहुत झुकाई दी, अब कह रहे हैं कि मर्द बन के जियो। मर्दानगी वो नहीं होती है कि किसी से लड़ो और भिरो और कौए मारो के मरो, वो मर्दानगी होती है जो सत्य के रास्ता पर चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जीवे मार जीव प्रतिपारे तो देखत जन्म आपनो हारे। अगर किसी जीव को मारोगे तो उसका बदला आपको देना पड़ेगा, और छत्री वही जो कुटुंब से जूझे और पांचन मार एक को पूजे। मर्दानगी का अर्थ होता है हम सत्य के रास्ता पर चले, सच्चाई के रास्ता पर चले तो समझ लो कि आपसे बड़ा दुनिया में मर्द कोई नहीं। और फिर भी कोई भोग भाग अगर सामने आता है तो उसको हिम्मत के साथ जियो। मुसीबत तो टले मर्दानगी के दो थपेड़ों से, मुकद्दर पर भरोसा कर। ये तो हमारे भाग में लिखा है ऐसा, क्या करेंगे हम मेहनत करके। हमारे भाग में तो चाहे जितनों कर लो वो चंदिया रोटी धरी है। नहीं, पुरुषार्थ का बड़ा महत्व तो है। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो राम सागर के किनारे पर ही बैठे रहते। विभीषण ने सलाह दी कि महाराज समुद्र तुम्हारा कुल गुरु है, आप प्रार्थना करो जाकर के। लेकिन ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी और लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज ये वीरों का काम नहीं है, आपके पास में तो बहुत शक्ति है, आप कहते हो कि दैव की गति से ऐसा ही होगा, लेकिन कितनी बढ़िया बात कही है रामायण में, नाथ देव कर कवन भरोसा,
सोचिए सिंधु करिए मन रोसा। हो कादर मन को एक अधारा, देव देवया लसी पुकारा। ये तो कायरों जैसी बात है, क्या भगवान करेगा सो ही होगा, या दैव की गति है। नहीं, आप उठिए और आप प्रसारित करिए, और वो ही काम करना पड़ा। बिनेन मानत जलत जड़ गए, तीन दिन बीत और बोले राम सकोप तब बेविन हो नहीं। प्रीत और धनुष बाण उठाए तो बताते हैं सागर आ गया। ये कहानी तो फिर और कुछ कहती है, पर फिर बताए कभी। मुकद्दर पर भरोसा करे, मुकद्दर पर भरोसा कर के सो जाने से क्या होगा। मुकद्दर पर भरोसा कर के सो जाने से क्या होगा। अगर है कर्म खोटे तो ईश्वर का वजन करने से क्या होगा। या पर है जना कुछ भी दवा खाने से, इसलिए मेरे भाई बहनों हमेशा पुरुषार्थ का बल रखो, सेवा करो, सत्संग में जाओ, बने सो दान धर्म करो, बड़े बूढ़े की सेवा करो, बच्ची बच्चाओं को अच्छी शिक्षा संस्कार दो, जिससे वो तुम्हारी सेवा करेंगे, उनको भी सुख शांति मिलेगी और दूसरों को भी सुख शांति देंगे। बच्चों को ईश्वर के भरोसे मत छोड़ो, क्या भगवान की मर्जी है, और वे डकैत है गए तो इसका मतलब क्या वो भगवान के साथ में उन्होंने कुछ गलत किया था। वो डकैत हुए तो वो तुम्हारी भूल से हुए, चोर हुए तो तुम्हारी भूल से हुए, और वो अच्छे सर्विसमैन बने, अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो तुम्हारे ही विचारों के आधार से। कहते हैं तैसे ताके नदी नवारे, तैसे ताके भरे का, और तैसे ताके मैयो वापे, तैसे ताके लड़का। ये बात ध्यान में रखियो। कितना बढ़िया अवसर मिला है, ये मानव शरीर मिला है, सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, चाहे कहो तो गाली दो, चाहे कहो कि हाथ जोड़ो, चाहे सेवा करो, चाहे किसी को मारो पीटो, आप स्वतंत्र हो, आपसे कोई गलत काम नहीं करवाएगा। अब अच्छा करोगे तो आपका है, और गलत करोगे तो आपका है। मिलाया वो सर ये फिर हर गुज दोबारा लौट ना मिलना, दोबारा लौट नहीं मिलता। लिया चुंग खेत चिड़ियों ने, लिया चुंग खेत चिड़ियों ने तो पछता ऐसे क्या होगा। लिया लिया चुंग खेत
चिड़ियों ने तो पछताने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा, लिया और आखिरी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा है, तू मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाएगा। अरे भैया, जब हम यहां पर आए थे तो कुछ लेकर के नहीं आए थे, और जब जाएंगे तो कुछ लेकर के भी नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ कर्म संस्कार लेकर के आए, अच्छे और बुरे, और जब जाएंगे तो वो ही अच्छे बुरे वो ही ले जाएंगे। इसलिए कबीर हम पैदा भए जगत ऐसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम आसे जग रोए। तू मुट्ठी बांध कर आया पसारे हाथ जाए, पथिक मालिक किरोड़ों का, पथिक मालिक किरोड़ों का वो कहला ऐसे क्या होगा, पथिक मालिक करोड़ों का वो कहला ऐसे क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा, परे हजना किया कुछ भी दवा खाने से क्या होगा, परे कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा, परे हज ना किया कुछ भी दवा खाने से क्या होगा।